अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू का बच्चों, आज हमने हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर करना है। पार्ट फोर में आपसे वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फोर, ए प्लस बी माइनस सी मा थ्री ए प्लस बी माइनस टू सी। अभी बच्चों यहां पे आपका एक स्टेप और इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, वो ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि पहले आपको एक टर्म दी जाती थी यानी कि 4b कॉमा 5b की इनको ऐड करें एक ही टर्म, लेकिन यहां पे अभी आप देखा जाए तो पहला जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें भी तीन आ गई है टर्म्स में और दूसरे में भी तीन है। अभी हमने पहली बात कर दी, कामा को उठा के दरमियान में प्लस लगाना है, कामा को उठा के दरमियान में प्लस लगाना है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा प्लस 3a प्लस बी माइनस 2c। ये चीज आपके पास। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सब टर्म्स मैंने लिख ली, सिर्फ मैंने कामा को उठा के दरमियान में प्लस लिखा, तो जब ये प्लस लिखा तो प्लस सारों के साथ अंदर मल्टीप्लाई में सेम थिंग आ गया। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर वाली बात इसमें आ गई कि आप ए वालों को एक जगह पे लिखिए, बी वालों को दूसरी जगह पे और सी वालों को तीसरी जगह पे। आपके पास अभी सी भी आ गया, ए के बच्चों ये आ गया, पूरी ब्रैकेट में चेक करें ये बी है ये सी है ये ए है ये प्लस थ्री ये आ गया, उसके बाद आगे ये बी है ये सी है, लिहाजा ए का काम खत्म हो गया। अभी बी की बात आ गई, सबसे पहले मेरे पास है प्लस बी, ये सी है ये ए है, लिख चुका हूं ये बी है, ये मेरे पास दूसरा प्लस बी आ गया। अभी तीसरा आ गया माइनस सी, और ये बच्चों ये ए है लिख चुका हूं, बी भी लिख चुका हूं, और ये माइनस टू सी आ गया माइनस टू सी। अभी हमने सिंपल ये देखें, ये सिर्फ ए के हैं, ये बी के हैं और ये सी के हैं, तीन आपके पास टर्म आ गए, इनको आपने इकट्ठा करना है। 3a में जब आप एक ए और ऐड करेंगे तो आपके पास 4a बन जाएगा, 3a में जब एक ए और ऐड करेंगे तो 4a बन जाएगा। फिर एक बी ये जिसका कोई सिंबल नहीं होता उसका ये प्लस 1 होता है, तो 1b कितना हो जाएगा प्लस 2b। उसके बाद बच्चों माइनस 2c है, माइनस 2c और माइनस 1c, जब 2c हमने एक बंदे को या कोई भी दो आइटम हमने उसको दे उससे हमने लिए हुए थे, अभी एक हमने उससे और ले लिया तो हमने उसको ये वापस भी कर दिया, वापस करने की सूरत में ये चीजें उसकी हैं जो हमने उसको देनी है, तो ये माइनस 3c आ गया, हमारे पास क्या चार्ज आ गया माइनस 3 एंड c। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे एक चीज नहीं ये आई है कि उसने हमें कहा कि सबसे पहले आप टर्म्स को एक्सप्रेशन में चेंज करें, टर्म्स को एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए यहाँ पे इसकी जो कामा लगा हुआ है इस कामा को बच्चों हम खत्म करने के लिए यहाँ पे प्लस लगाया, देखिए ए प्लस बी माइनस सी, तो फिर मैंने प्लस 3a लिखा, प्लस बी लिखा और माइनस 2c लिखा। उसके बाद जब मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को चेक किया तो एक्सप्रेशन के अंदर मैंने देखा कि मुझे अल्फाबेट यानी कि ए बी सी जो है वो तीन नजर आए, ए बी सी आ गया, तो ए बी सी जब बच्चों इसमें आया तो मैंने ए को अलग रख किया, ए लिखा, पूरी टर्म में ए को ढूंढा एक्सप्रेशन में तो 3a आ गया, प्लस बी मैंने जब लिखा तो पूरी टर्म में मैंने बी को ढूंढा तो दूसरा भी बी था, जब माइनस सी लिखा तो पूरी टर्म में सी को ढूंढा तो माइनस 2c था। अभी ए वालों को हम एक जगह ऐड कर देंगे, बी वालों को सेकंड जगह पे ऐड कर देंगे और सी वालों को थर्ड टर्म यानी कि तीसरी जगह पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसमें इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स बच जाएंगी, ए प्लस 3a 4a आ जाएगा, बी प्लस बी 2b आ जाएगा, सी माइनस 2c आ जाएगा, माइनस 3c आ जाएगा। तो ये किसके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फाइव, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फाइव, इसमें आपसे कहता है सेम है फोर के साथ, आपकी रिविजन हो जाएगी, आपको फोर क्लियर हो जाएगा, 4a माइनस 3b प्लस 5c कॉमा माइनस 5a प्लस 4b माइनस सी। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ गया। ये भी देखें जो क्वेश्चन नंबर फोर आपको करवाया गया है
सेम ये उसी की तरह ही है। तो सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे कि हम कॉमा को हटाएंगे। जब हमने कॉमा को हटाया तो ये हमारे पास आ गया 4a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 5a प्लस 4b माइनस c ये आ गया। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वाला एक प्रोसेस में हम करेंगे, यानी कि सबसे पहले a वालों को कटा करेंगे, फिर b वालों को और फिर c वालों को। तो ये सबसे पहले आपके पास ये 4a आ गया, पूरी एक्सप्रेशन में a को ढूंढे तो ये दूसरा माइनस 5a है, दूसरा माइनस 5a है, और फिर आपके पास माइनस 3b आ गया, टर्म में ढूंढे तो ये प्लस 4b है यहाँ पर, फिर प्लस 5c आ गया तो पूरी टर्म में ढूंढे तो माइनस c आ गया। अभी आपने a वालों को अलग, b वालों को अलग और c वालों को अलग लिख लिया, यानी कि अभी आपके पास जो आंसर आएगा एक्सप्रेशन में वो तीन टर्म्स का आएगा। अभी बच्चों 4a से माइनस 5a निकल जाएगा, 4b हमारे पास है, 5 हमने किसी के देने, 1 रुपी हमारे ऊपर बाकी कर जाएगा। तो 4 में से 3 को निकालेंगे तो बाकी पीछे b बचेगा, इस तरह 5 में से 1 को निकालेंगे तो बाकी पीछे 4 बचेगा, 4c, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ये देखिए अभी इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी नहीं मिटाया और क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ मैंने सॉल्व किया। ये आप देखिए कि क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, सिर्फ कॉमा को हटा के आपने इसको टर्म से एक्सप्रेशन में चेंज करना है, और एक्सप्रेशन के बाद सेम स्टेप इसका है दोनों क्वेश्चंस का, वो ये है कि ए वालों को एक जगह पे लिखे, बी वालों को दूसरी जगह पे, और सी वालों को तीसरी जगह पे, फिर इनके दरमियान में जो सिंबल्स हैं उनको आप प्लस माइनस करें। जैसा 4a में से माइनस 5a गया तो माइनस a बच गया, 3b में से 4b प्लस 4b गया तो बाकी पीछे 1b बच गया, और 5c में से 1c चला गया तो बाकी पीछे 4c बच गया। दोनों का सेम प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों आप लोगों का आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि एम स्क्वेयर प्लस एम एन, इसका क्वेश्चन नंबर पहले ही करें, पेज नंबर 126 एक्सरसाइज 8 बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एम स्क्वेयर कॉमा 2m स्क्वेयर माइनस 3mn माइनस 3mn प्लस 4n स्क्वेयर प्लस 4n स्क्वेयर n स्क्वेयर कॉमा माइनस m स्क्वेयर प्लस mn माइनस 2n स्क्वेयर। बच्चों ये क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी है, अगर आपने 4 और 5 को अच्छी तरह समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, तो 6 को करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसके अंदर से ये जो कॉमा सिस्टम है इसको खत्म करेंगे, यानी कि टर्म्स को हम एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। तो आपके पास आ गया एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एम स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर माइनस 3mn प्लस 4n स्क्वेयर। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमा को हटाया, बीच में प्लस लगाया, और माइनस एम स्क्वेयर प्लस एम एन माइनस 2n स्क्वेयर। अभी बच्चों आपने एक्सप्रेशन के मुताबिक फर्स्ट एक्सप्रेशन वो टर्म्स को देख लें, एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर, यानी कि तीन टर्म्स आपके पास आ रही हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो सबसे पहला है हमारे पास एम स्क्वेयर, मैं बच्चों लिखता हूं यहां पर एम स्क्वेयर, उसके बाद सेकेंड देखें, ये देखें प्लस 2m स्क्वेयर है, प्लस 2m स्क्वेयर, थर्ड है बच्चों माइनस m स्क्वेयर। तो लिहाजा ये तीन चीजें मैंने इसमें से लिख दी, ठीक इसलिए कह रहा हूं कि ताकि क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा है तो ये ना हो कि कोई टर्म हमसे रह जाए। सेकेंड नंबर पे बच्चों mn इसी तरह लिखेंगे, mn प्लस mn है माइनस 3mn है, और उसके बाद लास्ट है प्लस एम एन। उसके बाद नंबर थर्ड पे एन स्क्वेयर,
ये आ गया प्लस एन स्क्वायर और ये एन प्लस एन स्क्वायर मैंने ये वाला लिखा, ये है फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर। ये क्वेश्चन जितना लंबा है उतना ही ज्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों ये कि मेरे हाथ में 10 रुपए पकड़े हुए थे, वो जमीन पे गिर गए। जब मेरे हाथ में थे तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास प्लस 10 थे, जब वो जमीन पे गिर गए गुम हो गए माइनस हो गए, तो मेरे हाथ में क्या बचा? कुछ भी ना बचा, जीरो हो गया। ये m स्क्वायर इसको आप 10 के जो आपके हाथ में और ये नीचे जमीन पर गिर गए, 10 में से 10 किया बाकी बचे जीरो, सिंपल आपका बचता है यहां पे 2m स्क्वायर। अंडरस्टैंड, एक बार फिर देख लें, ये प्लस m स्क्वायर है, ये माइनस m स्क्वायर है। मैंने आपसे कहा ये आपके हैंड में और ये नीचे जमीन पर गिर गए, आपका खाली हो गया, जीरो रह गया उसमें, इसको लिखने की जरूरत नहीं। प्लस 2m स्क्वायर और उसमें जीरो ऐड करेंगे माइनस करें सेम ही आएगा प्लस। उसके बाद बच्चों पहले आप डायरेक्ट प्लस नहीं डालेंगे, क्या पता उसके आपके आंसर में क्या आता है। देखिए एक एम एन ये है, एक एम एन ये है, ये 2mn हो गया, तो माइनस 3mn है आपके पास, माइनस 3mn प्लस 2mn, तो बच्चों आपके पास आएगा माइनस एम एन, क्या आएगा माइनस एम एन। तब मैंने आपसे कहा कि पहले हमने सिंबल नहीं निकाला, तो देखते हैं इसका सिंबल बाद में जो उसके आंसर के साथ आएगा वो। अभी बच्चों मेरा ये भी साल हो गया, ये भी, और उसके बाद ये भी यहां तक मैं पहुंचाया। उसके बाद है जी एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर ये है और चार एन स्क्वायर ये है, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, फाइव एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर, तो फाइव एन स्क्वायर में से टू निकल गया, जनरल सी बात है थ्री एन स्क्वायर हमारे पास बच गया। अब ये देखें, मैंने आपसे पहले ये बात की थी कि ये क्वेश्चन जितना लेंथी है लेकिन ये उतना ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसके अंदर जो आपको स्टेप याद करने हैं वो सबसे पहली बात कि इस एक्सरसाइज नंबर 8 के अंदर हर पिछली एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज के अंदर ऐड हो रही है। हमने एक्सरसाइज नंबर 8A के क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा कि ये आपको एक्सप्रेशन दी गई है, आप इनको टर्म वाइज लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पढ़ा कि ये टर्म वाइज आपको दिया गया, आप इसको एक्सप्रेशन में चेंज करें। तो क्वेश्चन नंबर 8B में आपको एक्सरसाइज नंबर 8B पर जब आए क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसने कहा कि मैंने आपको ये टर्म वाइज दी है, इसको आप एक्सप्रेशन में लिखें। टर्म वाइज नहीं दिया, उसको एक्सप्रेशन में लिखा, एक्सरसाइज नंबर 8A स्टार्ट हो गई। लेकिन जब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है, ऊपर हमें दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि सारे के सारे को जमा करें। इसको बच्चों अलजेब्रा की टर्म्स को या एक्सप्रेशन को जमा करने का ये प्रोसेस होता है कि जो सेम वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि आपका ए बी सी आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका एम एन आ रहा है, तो आपने देखा कि सबसे पहले एम स्क्वायर है, यहाँ पे आपने एम स्क्वायर लिखा, उसके बाद आप जाके यहाँ पर देखा कि सर सेकंड यहाँ पर आ रहा है एम स्क्वायर, ठीक है एम स्क्वायर और ये एम आ गया, आपने कहा एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये माइनस वाला इससे काट गया बाकी टू एम स्क्वायर बच गया। उसके बाद सेकंड टर्म में हमारे पास एम एन, एम एन एक ही है, फिर थ्री एम एन है और फिर ये एम एन है, तो ये एम एन टू हो गया और माइनस थ्री, तो ये देखिए माइनस थ्री में से टू जब मैंने निकाला मेरे पास माइनस एम एन आ गया। उसके बाद एम स्क्वायर की बारी आ गई, एम स्क्वायर एक यहाँ पर था हमारे पास, नहीं एन स्क्वायर थी, एन स्क्वायर एक यहाँ पर था और फिर प्लस फोर एन स्क्वायर था माइनस थ्री था, फोर में वन डाला तो फाइव हो गया, फाइव में से जब टू हमने माइनस किया तो थ्री एन स्क्वायर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन नंबर 4-5 के मुकाबले में, लेकिन है सेम वही चीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं कि एड द फॉलोइंग और देखते हैं उसके अंदर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है या एडिशन हो रही है। सबसे पहली बात कि हमने टर्म्स को एक्सप्रेशन में चेंज करना है, सबसे पहली बात टर्म्स को हमने एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आराम से लिखे 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 1 कॉमा x³ प्लस 2x² 2x रेज़ टू द पावर 2 ये भी पढ़ते हैं उसको और माइनस
3x प्लस 4 और गामा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अच्छा बच्चों, जो सबसे पहली चीज है यहाँ पर, एक जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि इससे पहले क्लास 5 के अंदर आपने अलजेब्रा एक्सप्रेशन को पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका कार ये होता है कि देखिए 3x क्यूब जानिए 3 है, बात बच्चे करते हैं 3x पावर 3, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अगर इसके साथ x पावर 4 है तो उसको हम टेट्रा के नाम से पढ़ेंगे, टेट्रा 4x टेट्रा। अगर 5 है या 6 है तो उसके ऊपर 5 है तो इसको हम पेंटा के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। जब 4 होगा तो टेट्रा कहलाएगा, 4x टेट्रा एंड 5x पेंटा। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। ये आपने बेसिक इसकी जो 5 चीजें हैं, ये फर्स्ट को जो है वो सिंपल, और सेकंड को जो है वो स्क्वायर, थर्ड को क्यूब, फोर्थ को जो है वो पेंटा सॉरी टेट्रा, और फाइव को पेंटा। और जिसके साथ ना वन हो और ना फाइव हो ना कोई भी हो, उसको हम पढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म। वो जो भी आ जाती है वो उस हिसाब से पढ़ा जाता है, कांस्टेंट टर्म। यानी कि जिस तरह आपका ये 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, ये 10 आ जाता है, जो भी आता है अप टू सो ऑन, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म पढ़ेंगे। अभी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहली बात कि हमें टर्म में दिया गया है, हम इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, उसके बाद प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। बच्चों ये तो मैंने सिंपल काम किया कि जहां जहां पे कॉमा था एक इधर कॉमा था प्लस लगा दिया, एक इधर कॉमा था कॉमा को उठा के प्लस लगा दिया। अभी मैं अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन को चेक करता हूं कि उसमें देखें x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, x क्यूब x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, तीनों टर्म्स के अंदर मेरे पास सेम, सबसे पहले क्यूब से स्टार्ट होता है, x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, फिर x है, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाती है। जब ये तीनों चीजें आ गई मेरे पास, अब सबसे पहला x क्यूब है, ये आपका 3x क्यूब है, क्या है 3x क्यूब, 3x क्यूब इसको आप टिक कर लें। उसके बाद है बच्चों आपके पास प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद है प्लस 4x क्यूब, प्लस 4x क्यूब। उसके बाद देखिए इस टर्म में आपको कोई भी क्यूब वाली रकम नजर नहीं आ रही, तो लिहाजा हम स्क्वायर की तरफ आ जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसमें आपको कोई नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने, अब जरा देखिए मैंने कितनी टर्म लिखी है, 2 2 2 6 लिखी है, इनको देखिए मेरे पास ऊपर टिक भी 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद लास्ट में मेरे पास आ गया, सबसे पहले है 5x दिस वन, और सेकंड है माइनस 3x, और थर्ड में प्लस 4x। उसके बाद लास्ट टर्म में आ गया, सबसे पहले मेरे पास आ गया प्लस 1, उसके बाद आ गया जी प्लस 4, और उसके बाद आ गया जी माइनस 5। अभी बच्चों मैं अपने एनालिसिस को चेक करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लंबा था, उसके लिए मैं ये चेक करूंगा कि मैंने जो स्टेप 5 मतलब बार बार ये क्वेश्चन वैल्यूज लिखी है आए ऊपर वाले से मिलते हैं, क्योंकि मैंने इसी से देखकर ये लिखी है ना, अगर इसी से देखकर मैंने ये चीज लिखी है तो ये और ये नंबर में बराबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर वाले को आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों 12 का क्रम बराबर है। अभी आप देखें ये क्यूब तक आपका एक वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी दूसरी वैल्यू बन जाएगी, ये तीसरी और ये चौथी, और ये देखें एक के अंदर चार चीजें थी, जब ये सब आपस में ऐड होंगे तो भाई चार चीजें, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8,
तो मेरे पास पहला क्या आ जाएगा, 8x क्यूब। देखिए बच्चों, 3x क्यूब में एक ऐड करेंगे तो 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8। उसके बाद बच्चों ये आ गया माइनस, ये मैं बोर्ड पे करूंगा क्योंकि अलजेब्रे का आपको माइनस प्लस का कांसेप्ट इतना क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये जो माइनस वाली वैल्यूज है इनको जरा बोर्ड से लिख कर दो ताकि आप बच्चे के पास उसका सॉल्यूशन उसको रफ वर्क में नजर आ रहा हो। -4x² + 2x² चार में हमने दे रहे थे, दो में हम ले रहे हैं, तो दो बाकी उसके फिर रह गए हमारी तरफ। सेकेंड डे जब हम स्कूल आए तो फिर हमने 3 रुपीज का उससे और बार उगा लिया, तो ये 2 + 3 कितना हो गया, -5x². ये सब प्रूफ जो है वो रफ वर्क में है, आपके पास -5x² आ गया। ये बच्चों आपने साफ करें, उसके बाद +5 है, +4 है, 9, 9 में से 3 आएगा बाकी पीछे 6, आपके पास क्या बचेगा, 6x। देखिए ये 5 + 4 - 3, 5 + 4 9 होता है, उसमें से -3 करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो उसके बाद बच्चों लास्ट आता है आपके पास 1 + 4 = 5, ये लास्ट आपके पास आ गया 1 + 4 - 5, ये 5 - 5 = 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आ गया। अगर हाँ इसमें से आप ये काम और करते हैं, एक्सिस में लेकिन वो कॉमन अभी नहीं लेते क्योंकि आपको कॉमन वाला कंसेप्ट अभी नहीं आया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इसके ये पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के जो 7 पार्ट थे ये सारे मैंने कर दिए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐड के बजाय सब्जेक्ट है और उसमें सब्ट्रैक्ट, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन जो है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई चीज है, तो ब्राय मेहरबानी इसको गौर से देखें, अगर आपको आज फर्स्ट टाइम ये चीज समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर ना आई तो फिर इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करके आपको सब्ट्रैक्ट का फॉलोइंग पेज क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पेज भी चेंज हो गया, पेज नंबर 127 है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, सब्ट्रैक्ट TRACT आगे बुक में माइनस से बोला सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 से आपसे कहता है, 1 में इतना मैं तो बोल ही लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ गई, 5a फ्रॉम 8a फ्रॉम 8a। बच्चों जब आपको ये बात की जाती है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है उसको पहले लगाएं और जो पिछला है उसको बाद में लगा के, ये देखिए आपके पास आ गया 8a माइनस 5a, सो दिस इज इक्वल टू 3a। ये तो सिंपल एक टर्म थी, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो मैं आपको समझाऊंगा बताऊं कि 5a को 8a में से निकाल दो, 8a में से हमने 5a को निकाला तो हमारे पास 3a आंसर आ गया, लेकिन इस आहिस्ता आहिस्ता जो आप आगे जाते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस तरह क्वेश्चन 2 आपसे कहते हैं 7x फ्रॉम 4x, इसका मतलब है 4x में से 7x को निकाला जाए तो बाकी पीछे -3x बचता है, राइट, 4x में से 3x को ले, 7x में से जब हम 4x में 7x को निकालेंगे तो हमारे पास 3 है। उसके बाद बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसका पार्ट 3 सब्ट्रैक्ट का, पार्ट 3 में आपसे कहते हैं -2x फ्रॉम x + 1, ठीक है। अभी देखिए बच्चों आपने जिस तरह ये लिखा कि सबसे पहले 5a फ्रॉम 8, तो आप इसको x + 1 को पहले लिखेंगे, यहां पर माइनस लगाएंगे और ये -2x जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम आप करेंगे कि x + 1 इस तरह आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन की है, ये हर बच्चा टिप्स पर इसको जुबानी याद रखे, ये -(-)+(+)-(-)-(+)-(+)+(+)+, ये बच्चों चार चीजें हैं, ये आपने अलजेब्रा के लिए याद रखनी है, इसको मल्टीप्लीकेशन की कहते हैं। तो -(-)+(2x) आ गया। अभी ये वही वाली बात पिछले क्वेश्चन वाली कि x वालों को हम एक जगह भी ऐड करते हैं x + 2x + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x
प्लस वन, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री को जरा देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। माइनस टू एक्स फ्रॉम एक्स प्लस वन, देखिए यहाँ पे था फाइव ए फ्रॉम एट ए, एट ए को आपने पहले लिखा फाइव, माइनस फाइव ए को बाद में लिख दिया। यहाँ यहाँ पर सेकेंड ए था सेवन एक्स फ्रॉम फोर एक्स, फोर एक्स में से माइनस सेवन एक्स आपने कर दिया। अभी आपको आ गया माइनस टू एक्स फ्रॉम एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन फ्रॉम है, तो फ्रॉम वाले को हमने पहले लिखा, तो माइनस माइनस टू एक्स, ये भी इसके साथ लिखा, वो इधर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस हम लिखेंगे। तो बच्चों जब ये मैंने एक्स प्लस वन लिखा तो ये माइनस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस टू एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस टू एक्स आ गया। एक्स वालों को पहले लिखा, कॉन्स्टेंट को बाद में लिखा, ये एक्स पहले ले आया, ये टू एक्स बाद में ले आया, प्लस वन आ गया। एक्स में जब टू एक्स को ऐड किया तो थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस वन। इसी का पार्ट फोर आप लोग देखें, पार्ट फोर में आपसे कहता है कि टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन फ्रॉम माइनस एक्स। अभी मैं जो फ्रॉम माइनस एक्स आ गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि माइनस एक्स को हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स, और ये माइनस डाल के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टू एक्स प्लस वन। बच्चे जो सबसे ज्यादा यहां पर मिस्टेक करते हैं, उनकी मिस्टेक ये होती है कि माइनस एक्स को लिख दिया और ये माइनस टू एक्स आ गया, आगे प्लस वन लिख देते हैं। बच्चों प्लस वन नहीं आता, माइनस वन आता है। क्यों? आप अपनी अलजेब्रिक की को देखें, मल्टीप्लीकेशन की को, कि माइनस इस साथ प्लस था, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस आ गया। अभी बच्चों आपके पास माइनस एक्स आ गया, माइनस टू एक्स आ गया, माइनस एक्स एक था और आप माइनस टू एक्स और ले लिया, तो ये जब टोटल जो बात हो गया वो माइनस थ्री एक्स हो गया, माइनस थ्री एक्स माइनस वन, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस थ्री एक्स माइनस वन। अब इसमें मैंने आपसे जो बात कही है, जब वो फ्रॉम की बात करते हैं, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस पर लिखो तो आप पहले लिखेंगे, जिस हमने माइनस एक्स को पहले लिखा, तो फिर माइनस आ गया टू एक्स प्लस वन। तो जब जो माइनस टू एक्स पूरी ब्रैकेट के मैंने अंदर लिखा, तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लेके जाऊंगा, अंदर जब मैं लेके जाऊंगा तो किस रूल्स के तहत लेके जाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन की के तहत लेके जाऊंगा। सबसे पहले माइनस है, जिस साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, मैंने माइनस टू एक्स लिख दिया, माइनस इंटू प्लस दूसरे के साथ भी माइनस आ गया माइनस वन, तो टू एक्स में जब एक्स को ऐड कर माइनस थ्री एक्स और माइनस वन आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर आ गया, पार्ट फोर सॉरी, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट फोर। अभी हम पार्ट फाइव की तरफ आते हैं, पार्ट फाइव में आपसे कहता है कि टू ए प्लस थ्री बी फ्रॉम सेवन ए प्लस एट बी, राइट। वही बात बच्चों के आप फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे, सेवन ए प्लस एट बी माइनस, इसको आप ब्रैकेट कर निकाल दें, टू ए प्लस थ्री बी। अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन ए प्लस एट बी माइनस टू ए माइनस थ्री बी। अभी देखें कि माइनस टू प्लस माइनस, माइनस टू प्लस माइनस आ गया। अभी ए ए वन को हम एक जगह पे इकट्ठा करके लिखते हैं, ये आ गया सेवन ए, ये हो गया माइनस टू ए, ये हो गया प्लस एट बी, ये हो गया माइनस थ्री बी। बच्चों सेवन में से टू जाएगा तो बाकी पीछे क्या बचेगा, फाइव ए, प्लस एट में से थ्री जाएगा तो बाकी पीछे फाइव बी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्स को, इसका पार्ट है क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन थ्री का पार्ट सिक्स देखें, क्वेश्चन थ्री का पार्ट सिक्स। अलजेब्रिक की को हर क्वेश्चन के साथ लिखें, मैंने इसलिए एक साइड पर लिखा और इसको मिटाया नहीं है।
3a minus b plus c from 4a plus 2b minus 3c। ये चीज आपके पास आ गई। तो बच्चों जब ये चीज आपके पास आ गई तो आप सबसे पहले फ्रॉम वाले को लिखेंगे 4a प्लस 2b माइनस 3c और सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसमें से फ्रॉम है और ये आप लिखेंगे 3a माइनस b प्लस c। वही अलजेब्रिक की को हम दोबारा यूज करेंगे 4a प्लस 2b माइनस 3c। यहां पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मतलब सिंपल बात जो है वैसे तो अलजेब्रिक की को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर जिसके साथ प्लस होता है उसके साथ माइनस हो जाता है और जिसके साथ माइनस होता है उसके साथ प्लस हो जाता है। सिंपल हमेशा उलट हो जाते हैं। आप ये देखिए बच्चों ये बाय माइनस आने मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस 3a आ गया और ये माइनस में माइनस प्लस b आ गया और माइनस c आ गया। अभी हम वही वाला अल्फाबेटिकली को आपस में मिलाएंगे 4a उसके बाद माइनस 3a उसके बाद प्लस 2b उसके बाद प्लस b माइनस 3c और माइनस c। ये बच्चों 4a में से 3a चला जाएगा तो बाकी आपके पास a बच जाएगा। ये 2b है और प्लस 1b तो 3b हो जाएगा और उसके बाद 3c और माइनस c है तो 4c हो जाएगा। तो ये आपके पास का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को निकाल देते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक की मैंने आपसे कहा कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर उसको आपने देखना है लिखना है तो इसलिए हर क्वेश्चन के साथ आप अपनी अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन की लिखें ताकि आपका जो माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 पेज नंबर 127 तो 7 है आपके पास है x माइनस 2y माइनस 3z फ्रॉम किस में से क्या करना है 2x प्लस y प्लस 3z। या तो बच्चों सबसे पहले मैं फ्रॉम वाले पहले इसको लिखूंगा और दरमियान में माइनस डालूंगा और दूसरी ब्रैकेट लिखूंगा। ये देखिए आपके पास आ गया 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस ब्रैकेट के साथ आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 3z। देखिए जी उसके बाद हम अब माइनस को अंदर ले जाएंगे। माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। तो माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 3z राइट। अभी x x वालों को हम एक जगह जमा कर देते हैं 2x माइनस x प्लस y प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3z उसके बाद ये x आ जाएगा x 2x में से एक x निकल जाएगा बाकी एक बच जाएगा y और 2y हो जाएगा तो 3y आ जाएगा। ये 3z प्लस 3z तो 6z हो जाएगा। सो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खत्म हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक मैंने आपको चंद एक चीजें बतानी हैं जो आप अभी देख रहे हो। पहली बात उसमें ये है कि आपने हर क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन की लिखनी है जो ये लिखी गई है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये अलजेब्रिक की हर बच्चे ने उंगलियों पर याद करनी है कि जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस आएगा तो क्या होगा। और दूसरी बात ये कि जब एक ही आपने ब्रैकेट लगा दी जिस तरह मैंने ये ब्रैकेट लगा के बाय माइनस लगा दी तो इस सूरत में बच्चों अंदर जो तमाम टर्म्स आपकी होंगी वो चेंज हो जाती हैं उनकी सिंपल उनकी चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाते हैं अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाते हैं। तो इस तरह ये देखिए जब मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 3a तो माइनस 3a हो गया माइनस बी था तो प्लस बी हो गया तो माइनस प्लस सी था तो माइनस सी हो गया यानी टर्म्स चेंज हो गई है। और दूसरी बात ये आज के क्वेश्चंस के लिए जो 5 स्टेप हैं उसको सॉल्व करने के लिए वो आप सारे याद कर लें। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको
मतलब कि एक्सप्रेशन दिया जाता है कि इसको टर्म बनने है, टर्म वाइज दिया जाता है, एक्सप्रेशन दिया जाता है कि इसको टर्म्स में लिखें। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि आपको टर्म्स दिया गया, आपने उसका वो एक्सप्रेशन में लिखना है, ठीक है। फिर जब आप एडिशन के क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको पूरी वो टर्म्स दी जाती है, बीच में कामा लिखा जाता है और कामा को हटा के आपने प्लस लगा के उसको एक ही टर्म बनाना है। फिर नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, सेम वालों को एक ही जगह पे लिखें, ए वालों को एक साइड पे लिखें, बी वालों को दूसरी साइड पे लिखें और सी वालों को तीसरी साइड पे, फिर उन तीनों को ऐड कर दें। ऐड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो एबीसी के साथ आपको रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट पर आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में ये होगा कि सबसे पहले उसने आपसे कह दिया कि दिस फ्रॉम दिस। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि इस टर्म को पहले लिखे और बीच में से इसको माइनस कर दें। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस किया जाए, रिवर्सिबल प्रोसेस किया जाए, यानी कि 3a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4a प्लस 2b माइनस 3c, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। लिहाजा जिसको मैंने पहले लिखा बीच में माइनस का सिंबल डाला और पूरी टर्म लिखी मैंने इसमें माइनस लिख दिया। 4a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 3a प्लस b माइनस ब्रैकेट को माइनस में जब अंदर गया वो चेंज हो गई। तो ये स्टेप्स आपने इनके अंदर याद करने हैं। लेकिन फिर मैं अगेन आपको यही बात कहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन की को हर हाल में आप लोगों ने याद रखना है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन की आप अलजेब्रा का कोई एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते।